सोशल मीडिया पर भारत और इंडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है, जिस पर विपक्ष ने हमला बोला है। इन सबके बीच देश में अब भारत वर्सेज इंडिया को लेकर बहस भी छिड़ गई है। जी हाँ, वही इस मुद्दे पर अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। देखिए, बीते दिन अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भारत माता की जय का नारा लगाया था। वहीं अब तमिल एक्टर विष्णु विशाल ने भी भारत वर्सेस इंडिया पर रिएक्शन दिया है। तमिल एक्टर विष्णु विशाल हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने भारत का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया है। दरअसल विष्णु विशाल इस फैसले के खिलाफ है और उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। जी हाँ, उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि यह देश के डेवलपमेंट में कैसे योगदान देगा। दरअसल उन्होंने अपनी एक बैग से ली गई तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था कि इस शूट लोकेशन से गहराई से सोच रहा हूं, क्या नाम बदला लेकिन क्यों? यह हमारे देश की प्रगति और इसकी अर्थव्यवस्था में कैसे मदद कर सकता है? यह सबसे अजीब खबर है। हाल के दिनों में मुझे पता चला, भारत हमेशा भारत था। हम हमेशा अपने देश को इंडिया और भारत के रूप में जानते थे। अचानक इंडिया को अलग क्यों कर दिया? जस्ट आस्किंग इंडिया, मेरा भारत महान। अमिताभ बच्चन की तरह ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया। उनके ट्वीट में लिखा था, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं बीसीसीआई जय शाह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो। वहीं विष्णु विशाल ने सहवाग की पोस्ट को रीपोस्ट किया है और लिखा है, पूरे सम्मान के साथ सर, इन सभी वर्षों में भारत नाम के आपके अंदर गर्व पैदा किया है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।